जब भी हमें आम सर्दी खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो ऐसा एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसको आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो उपयोग किया ही होगा, या फिर अपने आस पड़ोस में, अपने यार दोस्तों में जरूर देखा होगा। और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी काफी असरदार है। मार्केट के अंदर जो ये प्रोडक्ट है, जिसको आपने भी इस्तेमाल या देखा जरूर होगा, ये जाना जाता है हमदर्द जोशीना सिरप के नाम से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं हमदर्द जोशीना सिरप के बारे में, किसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, एटसेट्रा। अब बात आती है इसके कॉम्पोजिशन की। ये एक 100% आपका नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर मुलेठी है, अमलतस है, उन्नाब है, और साथ ही साथ स्वप्न स्तन है, और भी कई सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। मेन ये है, प्रमुख ये है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। जब भी आपको कोई आम सर्दी खांसी हो जाती है, आपकी नाक बंद हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टअप का भी काम करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। अब बात आ जाती है कि ये काम करता कैसे है। तुलसी मदद करती है आपके आम सर्दी खांसी को ठीक करने में। उन्नाब मदद करता है, जो आपका सांस की नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको जो है आसानी से सांस का आदान प्रदान हो सके। अमलतस मदद करता है, जो छाती में कंजेशन होता है, ऐठनपन होता है, उसको दूर करने में उसमें आराम दिलाता है। मुलेठी आपका जो गला बैठ जाता है, थ्रॉट में इरिटेशन होता है, उसको दूर करता है, और इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स भी होते हैं, सूजन को भी दूर करता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल करना कैसे चाहिए। वार्म वाटर में, एक कप गर्म पानी में आप इसका 10 ml जोशीना डाल लें, यानी कि 2 चम्मच, और फिर इसका सेवन कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद, इसको शेक करने के बाद, और जब आप इसका सेवन करेंगे तो आहा, आपको आनंद आ जाएगा। तुरंत आपकी जो नाक बंद है वो खुल जाएगी, गले में खराश है वो आपकी जो है खुल जाएगी। अब बात आती है कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले लेबल अच्छे से पढ़ लें, जो डोज इस पे रिकमेंडेड है उससे ज्यादा डोज ना लें, बेहतर रहेगा एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। छोटे बच्चों की पहुंच और नजर से दूर रखना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, गर्भ अवस्था में है, या अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना हमदर्द जोशीना सिरप के बारे में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप मेडिसिन डिक्शनरी टाइप करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी सभी दवाइयों की और हर बीमारियों की। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।